सिर्फ इतना ही नहीं, पहला राउंड फायर करने के रिएक्शन की वजह से जब स्लाइड पीछे जाता है तो अगला राउंड फायर करने की कॉकिंग और लोडिंग ऑटोमेटिकली ही कर लेता है। आइए देखते हैं कैसे। रिएक्शन की वजह से स्लाइड पीछे जाते वक्त फिर से डिस्कनेक्टर को प्रोजेक्शन की वजह से नीचे की ओर धकेलेगा, फिर से हैमर को रोटेट करेगा और हैमर फिर से सीयर के साथ एंगेज होकर वहीं अटक जाएगा। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की, ये सब इतनी ज्यादा स्पीड में हुआ कि फर्स्ट राउंड फायर करने के लिए आपने जो ट्रिगर दबाया था वो अभी भी वैसा का वैसा दबा हुआ है। अभी तक आपको ट्रिगर छोड़ने का टाइम मिला ही नहीं है। अब आप जैसे ही सेकंड राउंड फायर करने के लिए ट्रिगर रिलीज करोगे तो लीफ स्प्रिंग के दबाव में डिस्कनेक्टर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। अब ये गन सेकंड राउंड फायर करने के लिए तैयार है। सेकंड राउंड फायर करने के लिए आप ट्रिगर प्रेस करोगे, ट्रिगर डिस्कनेक्टर को पुश करेगा, डिस्कनेक्टर सीयर को पुश करेगा और